तीन दिवसीय हमीर उत्सव के दौरान हमीरपुर बाल खेल मैदान में चल रही कबड्डी खेल मुकाबलों में स्पर्धा में सुजानपुर तथा टौनी देवी की टीमों के बीच खेल मुकाबले खेले गए। इस खेल स्पर्धा में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के एडीपीओ मस्तराम बडियाल तथा डीएसपी जगदीश कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय लिया गया। इस दौरान दोनों टीमों ने कड़ा संघर्ष चला। इस खेल मुकाबले दोनों टीमों के खिलाड़ियों की जीत की जदोजहद देखी गई। इस खेल मुकाबले में टौनी देवी की कबड्डी टीम विजेता रही, दूसरी ओर सुजानपुर की टीम को हार का सामना करना पड़ा। कबड्डी कोच पूर्ण कटोच भी खेल निरीक्षक के रूप में मौजूद रहे। एडीपीओ मस्तराम बडियाल ने बताया कि खेल स्पर्धा में खेल मुकाबले करवाए गए। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले के बाद विजेता हमीर उत्सव के समापन समारोह में पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। बहुत अच्छा लगा, ये हमीर उत्सव में कबड्डी कंपटीशन हो रहा है और हमारे परमादरणीय डीएसपी साहब के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और बहुत ही अच्छे बच्चे जो हैं इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें ब्लॉक वाइज टीमें आई हैं और अच्छे बच्चे प्रो कबड्डी से जो मतलब इन बच्चों का एक्सपोजर मिला है, बहुत अच्छा ये गेम खेल रहे हैं और हमारे मैट पे ये जो कंपटीशन हो रहा है ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे पूर्ण सिंह कटोच कोच हैं कबड्डी के, ये बहुत ही अच्छे कोच हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छे खिलाड़ी जो हैं आगे दिए हैं और मैक्सिमम खिलाड़ी मैं तो अब यही सोचूंगा, इन्होंने स्किल दिया है जिला हमीरपुर को, हिमाचल प्रदेश को स्किलफुल बच्चे दिए हैं और मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो प्रो कबड्डी में जिला हमीरपुर के भी खेलेंगे और ये सारा क्रेडिट जाता है पूर्ण सिंह कटोच को। और बहुत खुशी हुई ये इस हमीर उत्सव का उद्घाटन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा कल हो चुका है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पे लोग भारी संख्या में इस मेले को देखने आ रहे हैं, इस उत्सव को देखने आ रहे हैं और कबड्डी में अच्छे मैचेज हो रहे हैं। मैं बधाई दूंगा हमारे यूथ सब स्टूडेंट स्पोर्ट्स के डीएसओ साहब को और श्री पूर्ण सिंह कटोच को। धन्यवाद, जय।